वेरी यम्मी एंड टेस्टी चिकन के शामी कबाब। बहुत इजी रेसिपी है और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बनाया है। आए इसको बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद बिया। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम अपने किचन में चिकन के शामी कबाब बनाएंगे, जो वेरी टेस्टी और यमी बनेंगे, स्पाइसी बनेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से और जो झटपट से रेडी हो जाएंगे। आए इसको बनाते। सबसे पहले मैंने एक पाव चने की दाल ली है, जो मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दी थी, वो हमारी भीग चुकी है ये देखें। और इसके बाद हमने तकरीबन 1.5 पाव चिकन लिया है, यानी कि आधा किलो से कम है। तो हम इन दोनों चीज़ों को पहले हम गला लेंगे। सबसे पहले हम प्रेशर में चने की दाल डालेंगे, अच्छी तरह से धो के। चने की दाल डालने के बाद हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे, जो हमारा चिकन है। एक छोटी प्याज डाली है, जो हमने 3 से 4 पीसेस में कट कर ली है। और अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक तेज़पात लिया है और 1 चम्मच ज़ीरा लिया है और थोड़े से 2 से 3 लौंग हैं और दालचीनी के पीस हैं और ये बड़ी इलायची है और 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक और थोड़े सी लहसुन की कलियाँ। ये सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर डालेंगे। 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया डालेंगे, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब मैंने इसके अंदर 2 से 2.5 गिलास पानी के डाल दिए। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अगर आप वैसे भी पकाना इसको चाहें दम पे भी पका सकते हैं। अगर आपने इसको प्रेशर लगाना है तो आप 5 से 10 मिनट इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं। देखिए, 10 मिनट प्रेशर लगाने के बाद दाल और चिकन हमारा गल चुका है। अब हम पानी को खुश करके इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम इसको कुंडी पे, सील पे, इस तरह हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। जितना अच्छा सा कूटेंगे उतने अच्छे हमारे शामी बनेंगे। ये देखें, बिल्कुल ऐसे करके नरम है। इसके बाद भी अगर आप नमक मिर्च डालना चाहें, स्पाइसेस करना चाहें इसको, तो कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने हरा धनिया डाल दिया है, गार्निश कर दिया ऊपर। और अब हम 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, ठीक है। और अब हम इसको अच्छे से मैश करके टिक्की की शेप बनाएंगे। ये देखा, इस तरह हमने शेप दे के शामी तैयार कर लिए हैं। इस तरह हम शामी इसको फ़ौरन अगर चाहिए तो फ्राई कर सकते हैं, तो नहीं तो हम इसको डिश में लगा के या किसी डब्बे में रख के 1 मंथ के लिए इसको सेव भी कर ले सकते हैं। जैसे हमें बच्चे नाश्ते बनाने के लिए सैंडविच की ज़रूरत है, तो हम निकाल के इसको एग लगा के और इसको फ्राई कर सकते हैं। चले आए, मैं हम इसको अब फ्राई करते हैं। एक एग लेके इसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया। अच्छे से बीट करने के बाद अब हम इसके अंदर शामी डीप करेंगे। इस तरह अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। देखिए, बहुत अच्छा कलर आ चुका है। ये अंदर थोड़ा सा जाती था। ये देखिए, बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब हमारे शामी डन हो चुके हैं, शामी कबाब मज़ेदार और टेस्टी। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से यम्मी एंड टेस्टी शामी कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं। बहुत टेस्टी लग रही हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए, इसी तरह आप केचप के साथ खाएँ या सैंडविच में लगा के खाएँ। और मेरी रेसिपी को ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत अच्छे बने हैं और बिल्कुल ईजी तरीके से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि मेरे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।